हो गए रात के और हम निकल रहे हैं आज लद्दाख के लिए। पहले वैष्णो देवी जाएंगे, उसके बाद वहां से निकलेंगे लद्दाख के लिए। पठानकोट में आ गए हैं और अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। सुबह निकले थे हम 4:30 बजे। एक बज रहा है और भाई देख लो इन्हें भी, वह बेल्ट तो लगा ले। ओ रेस्ट लिया है भाई यहाँ पे। भाई हम यहाँ पहुँचने वाले हैं कटरा, कटरा पहुँचने वाले हैं ना 10-15 मिनट में। और अभी हमने ब्रेक लिया, फोटो वोटो खींच रहे हैं और देखो थोड़ी बहुत देर में पहुँचते हैं। चलो वैष्णो देवी की चढ़ाई करने शुरू कर रहे हैं। अभी खाना वाना खा के शाम तक पहुँचे थे हम और 9 बजे करीब शुरू करिए। जय माता, जय माता। मैं कुछ दिखी नहीं रहा मैं भाई, 3.25 घंटे हो गए मैं चढ़ते चढ़ते, बस पहुंचने वाले हैं। और सीढ़ियों का रास्ता दिया है हमने थोड़ी जल्दी पहुंचने के लिए। मुश्किल है वैसे सीधे रास्ते से, लेकिन सही है, जल्दी पहुंचना है। तो जय माता दी। तो भैया हम यहाँ आ गए हैं, प्रसाद यहाँ पर प्रसाद मिलता है। और ये सामने इंक्वायरी काउंटर है, सामने किसी कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ। अर्धकुंवारी से 4 किलोमीटर ऊपर आ गए, 2 किलोमीटर भी और चढ़ना है, दो नहीं थी चाहे सा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और चढ़ना है। और यहाँ से देखते हैं, अभी थोड़े साथी हमारे नीचे उनका वेट कर रहे हैं। तो देखो आप काफ़ी ऊपर आ गए अब तो, खाली पड़ा है यहाँ पे, भीड़ बहुत कम है। तो भाई अब हम आ गए हैं मंदिर पे, आप पहुँच गए हैं फाइनली, 2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद पहुँच गए हैं माता वैष्णो देवी का मंदिर। मन लग रहा है रात को यहाँ पे ना, सुबह से ज्यादा मन लगा, मतलब सही है। रात की चढ़ाई ज्यादा बढ़िया करनी है तो सुबह से बहुत बेस्ट, मौसम बढ़िया, एनवायरनमेंट बढ़िया, खाने पीने का बढ़िया, अच्छा कवर हो जाएगा। ये मार्केट टाइप है, यहाँ पे खाने पीने का सामान मिल जाएगा आपको यहाँ का मंदिर।
यहाँ पे पहुँच गए हैं भैया। अब यहाँ पे हमको अपने बैग वगैरह यहाँ फ़ोन वगैरह यहाँ पे डालने पड़ेंगे लॉकर रूम में, और इसके आगे हम फ़ोन मिले ऐसे रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते। तो देख लो यहाँ से मंदिर है, यहाँ से आगे जाएंगे, ये आ गया आपका मंदिर। चलो ये पैक कर दो भाई। रात को हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए रात को कोई उसके आगे दिखा नहीं पाए। हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से, हम जा रहे हैं शिवखोड़ी, दोपहर का एक बज रहे हैं। चलो तो फिर शिवखोड़ी देखते हैं कैसा है। 10 घंटे में हमने आराम से मतलब चढ़ाई करके उतर गए थे नीचे वैष्णो देवी से। ओके देख रुके हैं बीच में और पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट में और शिवखोड़ी पहुंचने वाले हैं। कि व्यू देखिए, व्यू पॉइंट है यहाँ का। ये भाई शिवखोड़ी की चढ़ाई, शिवखोड़ी पे चढ़ाई कर रहे हैं हम, और 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है इसकी। देखो कितनी देर में करें, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर। भाई करूँगा, रुक जाओ, बहुत तेज़ आ रही है सही में। 5-10 मिनट हो गए हमें चढ़ाई करते हुए, और यहाँ का देखिए थोड़ा सीन देखे कैसे। यहाँ पे हमारे आर्मी वाले बैडमिंटन खेल रहे हैं, पानी बह रहा है, मौसम भी बढ़िया हो रहा है। तो भाइयों बाबा शिवखोड़ी के दर्शन करके अब हम नीचे जा रहे हैं, और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, और हमें यहाँ पे 1 घंटा लगा मंदिर में। हमने आरती भी ली, और मतलब काफ़ी अच्छा मंदिर था। हम नीचे जा रहे हैं, और अब हम रात को यहीं पे रुकने की सोच रहे हैं, और सुबह को 1:30 या 2 बजे ले लद्दाख के लिए हम यहाँ से निकलेंगे, श्रीनगर के निकलेंगे मतलब, उसके बाद हम जाएँगे लद्दाख। चलो तो होटल देखते हैं। ओके बस होगी फिटनेस।
चार घंटे हो गए चलते हुए शिवखोटी से, और अभी श्रीनगर श्रीनगर पहुंचने में अभी हमें हैं कम से कम 5 घंटे, और यहाँ पे रुके हैं बीच में एक जगह बड़ी बेहद, यहाँ छोटा सा वाटरफॉल आ रहा है, इनका फोटोशूट चल रहा है। ठीक है, बहुत बेहतरीन लोकेशन है। अभी 6 घंटे लगेंगे हमको यहाँ से श्रीनगर पहुँचने में, और फिर वहाँ से हम निकलेंगे ले के लिए। चलो भाई, 1 घंटा लगेगा अभी हमें श्रीनगर पहुंचने में। बीच में इतनी बढ़िया लोकेशन पर रुके हैं, और एक बार देखो यहाँ वाटरफॉल है कि छोटा सा, इधर एक बार इधर का व्यू देखो, बेहतरीन व्यू है। इस रास्ते में भाई बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि हम आए शिवखोड़ी से ले बीच वाला रास्ते, मोस्टली पब्लिक जाती है मनाली से, ओ मनाली होते जाती है, तो ये बहुत कम लोग इस रास्ते पर गए होंगे। बहुत बेहतरीन रास्ता है। सोनमार्ग में हम, और रात को आए थे यहाँ पे, 8:30-9 बजे पहुँच गए थे, लेट हो गए थे। अब सुबह के 6 बज रहे हैं रेस्ट लेके, अब हम निकल रहे हैं लेह के लिए। और भाई बढ़िया ठंड हो रही है यहाँ पे, तो चलो निकलते हैं फिर, अभी भी सुबह उठे। पास पर रुके हम आके, रास्ते में चल रहे हैं।